हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज के वीडियो लेक्चर में एक और वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस वक्त क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे आके ऐसा बताया कि सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी उनके सिलेबस में है और वो उनको कहीं उसके बारे में ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा कि एक बार एक कंसाइज फॉर्म में आप तक ये बात पहुंचा दूं। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही समरी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, पहले ये जान लेना जरूरी है कि सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। हम हमेशा क्या ब्रेक करते हैं टर्म को, तो टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? वो एक सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये टॉपिक है जो कि हम पढ़ रहे हैं। और सोर्सेज का मतलब क्या है? जिस जगह से उसका उद्गम हुआ, जहां से वो आया, उसकी इंस्पिरेशन कहां से, उसकी रूट्स कहां से निकल रही हैं। अब मान के चलिए कि अगर आप बोले कि ये गंगा है और गंगा का सोर्स क्या है, तो गंगा का सोर्स है गंगोत्री। गंगोत्री कहां पे है? बहुत ऊपर पहाड़ों में, हिमालय की गोद से निकलती है गंगोत्री से गंगा, तो वो उसका सोर्स हो गया। इसका मतलब कि आप मान लीजिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक बड़ी धारा है, एक बड़ा स्ट्रीम है वाटर का, तो उसके सोर्सेस कहाँ है, कौन सी अलग 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 जगहों से वो अपने रूट्स को गेन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपने लॉस को एस्टैब्लिश कर रहा है और अपनी रूट्स को मजबूत कर रहा है, अपने आप को एज अ डोमेन ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रहा है। तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे कि सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। ठीक है सर, अब मैं आपको सीधे पॉइंट पे आऊंगा, इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइन्यूट टॉपिक है, इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मल्टीपल हो सकते हैं कि कहां कहां से उसने अपने आप को एम्पावर किया एक नई ब्रांच ऑफ लॉ बनने के लिए। तो सबसे पहले सोर्स क्या है, कहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की शुरुआत हुई? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं हमेशा अपने हर वीडियो लेक्चर में बताता हूं, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का सोल है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं तो कोई भी लॉ नहीं। इंडिया में कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं। अगर कोई भी लॉ को चेक किया जाएगा कि वो सही है कि नहीं, वो किसके बेस पे किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेस में, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, और उसका कोई भी ऐसी प्रोविजन ऐसा तो नहीं है जो कि आर्बिट्ररी हो कि जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो कैसे सोर्स ऑफ लॉ है, और ये इकलौता सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज है, तो ये पहला एस्पेक्ट है इसका। चलो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलैबोरेट कंट्रोल मैकेनिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एलैबोरेट कंट्रोल मैकेनिज्म बताता है कैसे। जैसा आपको पता होगा उसमें एग्जीक्यूटिव भी डिस्कस है, लेजिस्लेचर की पावर भी डिस्कस है, जुडिशरी भी डिस्कस है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ पावर ही पढ़ा था, इसीलिए सोर्सेज ऑफ लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बात होती है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब पता है तो आप समझ जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लॉ जो है वो डिस्कस करता है लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करता है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ब्रीफली डिस्कस्ड है, इसीलिए पहला इसका जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट डीमार्केट्स द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया हुआ है? लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूनियन और स्टेट की, यानी यूनियन कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कौन हो गया? जो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो ये जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और स्पेशली अगर हम यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, तो वो किस बारे में बात करती है? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर में ही आती है, तो इसीलिए ये भी हो गया। ठीक है, ऑल द लेजिस्लेटिव एक्शंस of the administration have been expressly brought by the constitution within the purview of article 13. article 13 को एक बार आप चाहें तो constitution of India का पढ़ सकते हैं। जितने भी legislative और administrative actions हैं वो article 13 के purview में ही हमारे पास आए हैं। अब उसमें कुछ शब्द आपको देखने मिलेंगे, कौन से? law, order, bylaw, और साथ ही साथ रूल, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के यही तो सोर्सेस हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ऑल दीज फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस एंड शेप द नेचर एंड कंटेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। ये सारी जो चीजें हैं आर्टिकल 13 के और साथ ही साथ आगे के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, यही चीजें शेप करती हैं किसको? हमारे नेचर और कंटेंट को, किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। इसीलिए पहला सोर्स होगा इसका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसका सोर्स है, अब आपको वजह भी पता है कि वो क्यों सोर्स है। ठीक है सर, स्टैट्यूट्स, पहली बात मैं ये बता दूं कि ये स्टैचू नहीं है, ठीक है, इसको कई लोग स्टैचू बोलते हैं, इट इज स्टैट्यूट। क्यों? क्योंकि एक टी यहां पे भी आया है, स्टैचू होता तो वो मूर्ति हो जाती। ठीक है, स्टैचू का मतलब क्या होता है? अब ये पहले बता देता हूं, जो रूल और ऑर्डर निकलते हैं ना उसी को स्टैट्यूट कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, स्टैट्यूट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। प्रिंसिपल सोर्स, कंफ्यूज मत होना, ओरिजिनेटिंग सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन था, ये प्रिंसिपल यानी कि वन ऑफ द मेजर सोर्स,
कैसे? अब आप एक बात बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिसाइड करी जाए तो वो टाइम टू टाइम वेरी करेगी, टाइम टू टाइम बदल सकती है, और टाइम टू टाइम कैसे बदलेगी? चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर निकाला कि आज के बाद से डीएम साहब क्या करेंगे, आज के बाद से डीएम साहब जो है ट्रैफिक रूल के रूल्स को भी मॉनिटर करेंगे। तो वो क्या हो गया, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में इन्फ्लुएंस बढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एक चीज ऐड हुई। और वो कैसे बढ़ी? एक स्टैट्यूट, यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा रेगुलेशन निकाला गया, कोई ऐसा ऑर्डर दिया गया जिसकी वजह से वो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पावर आई। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डे बाय डे इवॉल्व होता है, डे बाय डे चेंज होता है, और ये चीजें कहां किसके बेस पे होती हैं, अलग अलग ऑर्डर और रूल्स निकलते हैं उसी के बेस पे, तो वो स्टैट्यूट के अंदर में आ गया, और इसीलिए प्रिंसिपल सोर्स है। लेकिन स्टैट्यूट भी क्या है, इमैनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्डर और जो भी रूल निकलेंगे वो असल में कॉम्प्लीमेंटिंग होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इसलिए वो क्या है, वो प्राइमरी सोर्स है, वही गॉडली सोर्स है हमारा, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकिंग पावर हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन पावर्स बाय द स्टैट्यूट, ठीक है। जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट के पास है, विधानसभाओं के पास है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो कैसे दी जाती है, स्टैट्यूट के थ्रू दी जाती है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑल द स्टैट्यूट्स हैव टू कंफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न्स, यानी कि यहां पे हमें ये तीन पॉइंट पढ़ के समझ में आ रहा है कि स्टैट्यूट है तो प्रिंसिपल सोर्स, लेकिन वो भी किसके कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम जितने भी सोर्सेस को पढ़ेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंटिंग होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लिखिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, उसके बाद आप आगे कहीं जंप करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पहले मतलब आपको अगर समझाऊं तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट सारे काम तो नहीं कर सकती है, तो डेलीगेट करने का मतलब होता है अपना काम किसी और को सौंपना, थोड़ा सा काम बांटना। मम्मी लोग कई बार कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा घर में झाड़ू लगा दो, या आप बर्तन धो देना, या घर की साफ सफाई में, दिवाली आ रही है या दिवाली आप लोगों के लिए शायद चली भी गई है, तो उस केस में आपको घर की साफ सफाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो उस केसेस में क्या हुआ, मम्मी ने आपको काम डेलीगेट किया, तो पार्लियामेंट भी क्या कर रहा है, काम डेलीगेट कर रहा है। और इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इवॉल्व करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जा रही है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल को। लॉ मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, येट नो कंट्री डज द लेजिस्लेशन मोनोपोलीज द होल लेजिस्लेटिव पावर। सारी लेजिस्लेटिव पावर हर बार क्या है, पूरी की पूरी लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। उसको एग्जांपल से समझाता हूं, पार्लियामेंट लॉ बना रही है कि ये हमारे देश में कानून होने चाहिए, लेकिन जो माइन्यूट ग्रास रूट लेवल के लॉ है, कि किसी मजिस्ट्रेट को देख के ये लग रहा है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में नाले में लोग कचरा बहुत फेंक रहे हैं, इसके लिए उसने क्या किया, एक ऑर्डर निकाला और उसके लिए क्या बना दिया, एक लॉ निकाल दिया। इस केस में क्या पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जरूरत है, उसने क्या किया, डेलीगेट कर रखा है कि इस तरह की पावर, ये छोटी मोटी पावर तुम बनाओ, तुम आराम से लॉ बनाओ और उसको इंप्लाई करो। तो ये वही बात कर रहा है, अ गुड डील ऑफ लेजिस्लेशन इज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर, दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन इज कॉल्ड डेलीगेटेड और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम और क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसमें कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो पावर डेलीगेट करी जाती है एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी को, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस लॉज। केस लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लॉ हम सबको पता है, क्यों, क्योंकि केस लॉज में जो प्रेसिडेंस है हमारे, जो अलग अलग रूलिंग्स आ रही हैं, जो अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा शेप करते हैं कि प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस तरह वर्क करेगा, ठीक है सर। द बेसिस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज जज मेड लॉ, यानी कि जज ने जो कानून बनाया, ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ में भी, और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी। दिस मीन्स दैट द सब्जेक्ट टू ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड फैसिलिटीज जुडिशियल लॉ मेकिंग, यानी कि हर एक चीज जो है वो डिपेंड करेगी जुडिशियल लॉ मेकिंग पे और उनके चेक्स एंड बैलेंसेस पे, यानी कि जुडिशरी भी कॉम्प्लीमेंट करती है किसको, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। रूल्स लेड डाउन फॉर कंट्रोलिंग द एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय वेरियस डिवाइसेस, नेमली रीजंड डिसीजन, क्वासी जुडिशियल फंक्शन, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फॉर इंस्टेंस रूल ऑफ हियरिंग एंड रूल ऑफ अगेंस्ट बायस हैव बीन डेवलप्ड। ये जो हमने रूल ऑफ लॉ में पढ़ा था ना, और उसके साथ ही साथ हमने नेचुरल जस्टिस में पढ़ा था, ये उसी की बात कर रहा है कि एक सोर्स क्या है, केस लॉज भी है, कि उनमें जो रूलिंग्स आ रही हैं, उनमें जो जो ऑर्डर्स दिए गए, उनमें जो जो बातें बोली गई, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत हद तक डिफाइन और शेप करती हैं, ठीक है सर। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी लेजिस्लेशन कुछ नहीं है इसमें, इसमें बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर एक उसके ऊपर की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, उनके जो रूल्स और ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी वो जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, वो जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में उनके ऑर्डर्स आपके ऊपर क्या हो गए, इंप्लीमेंटिंग हो गए, और वही ऑर्डर्स के बारे में यहां बात हो रही है कि ये जो क्या करेंगे, ये आपको बता रहे हैं कि आपकी सुपीरियर अथॉरिटी आपको ये बता रही है कि आपको क्या काम करना है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है किसका, ऊपर की अथॉरिटी का, वो काम करता है एज अ सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि
डीएम साहब ने सभी एसडीएम साहब को बोला कि कल से आप लोग सुबह 9 बजे आएंगे, ये भी क्या किया, उनकी पावर को एम्बिट किया और डिफाइन किया। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वाजी लेजिस्लेशन इज अ टर्म कॉइंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन से जो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन आए हैं उसके बारे में बात करता है। एंड इंक्रीजिंग मॉडर्न ट्रेंड इज द इशूइंग ऑफ डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस बाय द फंक्शनल गवर्नमेंटल वर्क, यानी कि गवर्नमेंटल वर्क और फंक्शन के जो डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आप एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें एकदम अलाइन बैठ जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, उसकी कैसी शेपिंग होगी, वो किस तरह से वर्क करेगा, ये आपकी सुपीरियर अथॉरिटी भी आपको दे सकती है, इसलिए ये सोर्स ऑफ लॉ है। अब आखिरी के दो जिनको हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड लॉ कमीशन। कमेटी कौन सी होती है, मंडल कमेटी थी, बहुत अलग अलग कमेटी है, तो वो कमेटी की जो रिपोर्ट्स आई वो भी डिफाइन करती हैं, अगर उसको गवर्नमेंट चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकती है। और साथ ही साथ लॉ कमीशन जो कि एपेक्स बॉडी है, एक तरह से लॉ क्या होना चाहिए हमारी सोसाइटी में उसके रिकमेंडेशन के लिए, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की वो भी एज अ सोर्स काम करती हैं अगर सरकार चाहे तो। और ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास जो कोई चीज़ें आती हैं वो जो चीज़ें एग्जीक्यूटिव के पास भेजती हैं, और एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हैं जो एज एन रूल एज अ नोटिफिकेशन निकालते हैं एज एन ऑर्डर, वो ऑर्डिनेंस बन जाता है, और उसी ऑर्डिनेंस को भी क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कह सकते हैं। सोर्सेज में अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको कहीं और दिक्कत कुछ करने की जरूरत नहीं, आप केवल मेरी इतनी सी बात सुनिए और आपको क्लियर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक चीज है, मान लीजिए ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये किन किन जगहों से इंस्पायर होता है, किन किन चीजों से इसमें चेंजेस आते हैं, बस सोर्सेज उसी के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, जुडिशरी बहुत जरूरी है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसकी जो सुपीरियर बॉडी है उसकी प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये तीन आपको पता है तो आपको आगे बढ़ने की और जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत लगे कि आपको और बताना है तो आप केस लॉस को मेंशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप इनमें से कोई चाहें लॉ कमीशन को या रिपोर्ट ऑफ कमिटीज को तो आप मेंशन कर सकते हैं और उसको अपने वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ केवल इतनी बात करता है, और यहाँ पे हमारा सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। आई होप आपको हेल्पफुल रहा हो, हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।